कैसे पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया घातक कमांडोज ने, ये आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि शहाबुद्दीन को अब वापस जेल जाना होगा सलाखों के पीछे। लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया और साथ ही बिहार सरकार को फटकार लगाई कि आखिर हाईकोर्ट के सामने पूरे तथ्य क्यों नहीं रखे गए। अब ये ट्रायल फिर से होगा लेकिन शहाबुद्दीन को वापस जाना होगा जेल में, जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में साफ कहा कि आखिर इसका ट्रायल किस तरह से हुआ और पटना हाईकोर्ट को पूरे फैक्ट्स के साथ क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया, लिहाजा इन ग्राउंड्स पर इस जमानत को खारिज किया गया और ट्रायल इस पर फिर से शुरू होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें, जो एक चंदा बाबू जो राजीव रोशन और जो उनके तीन बेटे जिनको मारा गया था उसके पिताजी की तरफ से जो अपील फाइल करी गई थी और जो बिहार की तरफ से अपील फाइल करी गई थी शहाबुद्दीन के बेल के खिलाफ, उन दोनों अपीलों को अलाउ कर दिया है और बिहार सरकार को आदेश दिया है कि तुरंत उसको वापस जेल में भेजा जाए और जल्दी से जल्दी ये जो ट्रायल है राजीव रोशन वाले केस की, उस ट्रायल को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो प्रशांत भूषण, जिन्होंने जमानत का विरोध किया था वो इस पर अपना बयान दे रहे थे, लेकिन साथ ही कोर्ट ने सीधे सीधे बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि बाकी 40 जो बेल एप्लीकेशन थी उनका विरोध क्यों नहीं किया और सिर्फ शहाबुद्दीन के इस मामले में जमानत का विरोध क्यों किया गया। लेकिन अपने तीन बेटों को जिन्होंने खोया है, चंद्रकेश्वर प्रसाद इस मामले में पीड़ित, उन्होंने फैसले पर खुशी जाहिर की। चंदा बाबू, आपके तीन बेटों को शहाबुद्दीन, जो बताया जाता आरोप आपका है कि उनको मारा गया था, अब उनकी बेल को कैंसिल करने के लिए जो आपने सुप्रीम कोर्ट गए थे, बेल कैंसिल हो गया है जी। तो हमको जो है, देखिए, बेल से बेल कैंसिल हुआ है, हमको तो प्रसन्नता हुई है, हमारे तीन बच्चों के आत्मा को भी इससे शांति तो जरूर मिलेगी और यहाँ के डरे हुए लोगों को जो है कुछ यही होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बेल को कैंसिल कराने में हम कहेंगे कि सब आप लोगों का सहयोग है और एहसान है यहाँ के सारे लोगों को, जिन्होंने ये जो है बेल कैंसिल कराने में अपनी जो है मदद लगाई, और यह एहसान का बदला हम तो साथ चुका नहीं पाएंगे। हम इतना कहेंगे कि हम आपको अपने तरफ से सबको धन्यवाद देंगे। और चंद्रा, वो आप तो यहाँ रहते ही हैं, क्या आपको लग रहा था पिछले 20 दिनों से जब से शहाबुद्दीन छूटे थे जेल से, क्या सिवान में दहशत का माहौल था, डर का माहौल था, और क्या बिहार सरकार ने इस पूरे उनको बेल को अपोज करने के लिए देरी की थी? जी जी, यहाँ तो माहौल जो है बहुत इस हुआ था। अब जो है जितने भी यहाँ के डरे सहमे लोग हैं, जितनी भी यहाँ की जो है भयभीत जनता है, उनमें जो है तो कुछ उनमें जो है एक तरह का है कि निरता आएगी, और जो भी यहाँ जो है चोर उचक्के बदमाश हैं या लुटेरे हैं या ऐसी हैं कातिल हैं या रंगदारी वसूलने वाले लोग हैं, मतलब इस तरह से यहाँ जो है यह देख करके इन लोगों के अंदर, मैंने यहाँ जो है कमी जरूर आएगी, इसमें कोई युद्धोपर नहीं है। एक चीज हम ये बताएंगे और कहना चाहेंगे बिहार सरकार से, नीतीश बाबू से ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था कि जो भी यहाँ डॉन दिखाई देगा वैसे वैसे डॉन को हम अंदर करेंगे, तो हम तो हमारी औकात नहीं है बोलने करने की, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसे डॉन के लिए जिस पर जो है ऐसा कोई भी डॉन नहीं है कि बिहार में 58 केसेज हों उन पर, और ऐसे डॉन के लिए जिसने जेल से निकलते ही बिहार को एक बार फिर हिला दिया, जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने नीतीश बाबू के विपरीत दिया, तो हम कहते हैं कि ऐसे डॉन के लिए वे क्या करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इनको आजीवन कारावास जो है, आजीवन कारावास के जगह पर इनको जो है बिहार से बाहर किया जाए अथवा फांसी की सजा दी जाए। तो अपने तीन बेटों को खोने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद, जिनसे हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने बात की, उनके आंसू यहां पर निकल आए और
क्यों ना हो, आखिर तीन बेटों को उन्होंने खोया और उसके बाद शहाबुद्दीन क्योंकि जेल से बाहर आ गया तो ये टीस उनके मन में बनी हुई थी। रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रोहित, आपने चंद्रकेश्वर प्रसाद से बात की, किस तरह से उनके जख्म आज भी हरे हैं वो उनकी बातचीत से झलक रहा था, लेकिन उन्होंने गंभीर सवाल नीतीश कुमार और बिहार सरकार के ऊपर भी खड़े किए कि ढील ढाल भरा रवैया रहा जिसका जिक्र कोर्ट ने भी किया, जिसकी वजह से शहाबुद्दीन जेल से बाहर आया। जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन ये केस जब आया था, जब बेल को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था आज बिहार सरकार आखिर क्यों आ रही है सुप्रीम कोर्ट, पिछले तीन सालों में ऐसे कई तमाम केसेस हैं जिसमें शहाबुद्दीन को बेल मिला है, उन तमाम केसेस में तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आए थे बेल कैंसिलेशन के लिए, आज ऐसा क्या हो गया। तो इस तरीके के मामले जो ऑब्जर्वेशन जो थे वो किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अब क्योंकि जब बेल को कैंसिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक खबर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सिवान पुलिस फोर्स जो है इस समय वो प्रतापपुर के लिए निकल चुकी है। प्रतापपुर जो कि गांव है शहाबुद्दीन का, वहीं पर शहाबुद्दीन है इस वक्त, और जो हमें जानकारी मिल रही है कि पूरा जो दल बल के साथ जो फोर्स है यहां पे वो प्रतापपुर की तरफ कूच कर चुकी है ताकि जल्द से जल्द शहाबुद्दीन को जो है हिरासत में लिया जा सके और वापस जेल में डाला जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया जरूर दिखलाया है, क्योंकि इस केस से भी अगर आप बात करें तो पहले चंदा बाबू थे जिन्होंने पिटीशन डाला था बेल खारिज करने के लिए, उसके बाद इनके देखा देखी अगर कह सकते हैं तो बिहार सरकार ने भी दूसरा एक पिटीशन डाला था बेल कैंसिलेशन के लिए। बिल्कुल रोहित, आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, इस बार आपकी सरकार के लिए आज आपको कोर्ट से दोहरा झटका मिला, एक तरफ पटना हाई कोर्ट ने झटका दिया शराबबंदी के कानून को लेकर, लेकिन उससे बड़ी चोट सुप्रीम कोर्ट ने की जब शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी गई और बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि ढील ढाल भरा रवैया बिहार सरकार ने अपनाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में विधायिका द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए संकल्प और सदन के पारित संकल्प के विधेयक के खिलाफ शराबबंदी में उन्होंने अपना न्यायिक आदेश दिया, हम उसका सम्मान करते हैं, सरकार उसकी समीक्षा करेगी। और जहां तक शहाबुद्दीन का सवाल है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसका अक्षरशः पालन करना सरकार की जिम्मेवारी है और उसकी जिम्मेवारी का हम एहसास भी कराएंगे। और इस बात की पुष्टि भी जरूर हुई है, जो भी सवालिया निशान लोग खड़ा कर रहे थे कि सरकार न्यायालय जाएगी नहीं जाएगी, गठबंधन धर्म महत्वपूर्ण है कि राज धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने उस बात की पुष्टि की कि कानून का राज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंजेक्शन कानून के राज का असर दिखाई पड़ने लगा और हमारे वकील दिनेश द्विवेदी जी ने पूरे तथ्यों को वहां रखा है। नीरज कुमार जी, गिरफ्तारी कब तक होगी शहाबुद्दीन की दोबारा? उसके लिए कोई विलंब नहीं, बिहार के अंदर में अपराध करने वाला कोई व्यक्ति कितना बड़ा सुखदार क्यों नहीं हो, जल्द से जल्दी कानून की जद में और कानून के इंजेक्शन का असर बड़ा गहरा होता है। हमारा आ बोलता है इंजेक्शन में, लेकिन जनता बोलती है वाह, इन लोगों को भरोसा है और वह होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं बिहार सरकार के रवैये के ऊपर कि 40 अन्य मामले जो थे उनके खिलाफ आपने कोई याचिका दायर नहीं की जिसमें जमानत मिली है, लेकिन सिर्फ इस एक मामले में जमानत के लिए विरोध किया गया। अब क्योंकि मुझे बहुत मैंने सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं पढ़ा है, लेकिन इस बात के लिए तो कम से कम आप बधाई दीजिए कि लोग यह कयास लगा रहे थे कि सरकार अपील में जाएगी कि नहीं, अपील में भी गई, वरीयतम वकील को भी हमने रखा और हमारा जो संकल्प था उसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान किया, ये महत्वपूर्ण पक्ष है। नीरज जी, आप जो ये तमाम दावे कर रहे हैं, हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ मौजूद है और चंदा बाबू उनके साथ इस वक्त मौजूद है जो खुद बिहार सरकार के रवैये के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। रोहित, क्या चंदा बाबू सवाल पूछना चाहेंगे नीरज कुमार जी से, क्योंकि वो तो कह रहे हैं सरकार ने सब काम ठीक तरह से किया। जी बिल्कुल, चंदा बाबू से ही बात करते हैं। चंदा बाबू फोन पे दूसरी तरफ जो है वो नीरज कुमार है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। आप क्या, वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने कोई ढिलाई नहीं बरती, हमने सब काम ठीक से किया, क्या आपको लगता है वाकई कि बिहार सरकार ने ढिलाई बरती थी शहाबुद्दीन के बेल को कैंसिल करने के लिए? देखिए, अगर ढिलाई नहीं बरती गई होती तो हम जैसे पीड़ित परिवार के जैसे विधिक सेवा से लोग कहा जाता है, तो बेल के जब इनको बेल मिला है तो बेल मिलने के दो महीना पहले विधिक सेवा में मैंने जो है आवेदन दिया था कि वो उम्र कैद की सजा को जो है बढ़ाई जाए, तो विधिक वालों ने ये कहा कि ये हम लोग सजा कम करने के लिए हैं कि सजा बढ़ाने के लिए हैं, और वो भी ऐसे आदमी के बारे में आप लिख करके ले आए हैं कि इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, तो उसमें जो है हमारे पेपर को देखिएगा
विधिक विभाग में अभी भी मेरा पेपर पड़ा होगा जिसमें किसी वकील को सुपुर्द किया गया है, तो वो वकील तैयार नहीं हुआ कि नहीं इस केस में वो नहीं आएंगे। तो सब लोग बताइए, जब हाई कोर्ट के वकील लड़ते हैं कि इसमें जो है हमारे तरफ से कोई नहीं जाएगा, तो अब क्या कहें हम। मैंने कमजोर वकील भी क्या रखा गया था बिहार सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में, जिसकी वजह से जल्दी बेल मिल गया शाहबुद्दीन? देखिए, हम तो हाई कोर्ट के बारे में नहीं जानते हैं आज तक, देखिए हमने कोई केस नहीं लड़ा है। कमजोर अब वकील है कि बड़ा वकील, हम तो सुनने के लिए सुनते हैं कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं। नीरज कुमार की बात आप जरूर सुन रहे होंगे चंदा बाबू की, कमजोर वकील सवाल उन्होंने खड़ा किया, यहाँ पर जवाब दीजिए। ढिलाई तो जरूर उनको अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद अच्छा नहीं लगता है ना। जी कहिए जी। हाँ हेलो, उन्होंने विधिक सेवा में आवेदन की बात की, मुझे जानकारी इस बात की नहीं है। दूसरा, निश्चित रूप से चंदा बाबू का परिवार पीड़ित परिवार रहा है और उनके अंदर में जो ज्वाला होगी वो निश्चित रूप से अपने परिवार को गंवाने के बाद ये हर कोई समझता है। लेकिन इस बात के लिए भी आपको कम से कम इस बात की चर्चा भी करनी चाहिए। इसी राज्य सरकार के वकील ने शहाबुद्दीन को सजा भी दिलवाई थी, हमारे राज्य में ही जेल गए, हमारे राज्य में ही उनको सजा हुई और फिर जमानत पर बाहर भी आ गए। नहीं, ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, अनंत सिंह विधायक है, उसके मामले में जनवरी में फैसला आता है और वो फैसले में हाईकोर्ट का वही जज कहते हैं इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी, और अगस्त में वही जज बेल दे देते हैं। इसका क्या उपाय है, सरकार क्या कर सकती है? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चलिए तो सवाल तो ये भी उठते हैं ना, सवाल तो सरकार के रवैये पर इस तरह भी उठते हैं कि शहाबुद्दीन जो यूं तो जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद रहते हुए उनका एक्सेस कितना बाहर है? राजदेव रंजन पत्रकार जिनकी हत्या हुई तो उस पर नाम शहाबुद्दीन का सामने आया। बिल्कुल, अब तो जेल सीबीआई के पाले में है। परमेश्वर मुखिया की हत्या हुई, सीबीआई जांच कर रही, आज तक रिपोर्ट नहीं दी। हम तो उम्मीद करते हैं कि सीबीआई कब तक रिपोर्ट देगी, ही देश की जनता को बताया जाए, बिहार की जनता को बताया जाए, सीबीआई में डंप तो नहीं हो जाएगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि ट्रायल पूरा किया जाए और साथ ही चंदा बाबू ये मांग कर रहे हैं कि आजीवन कारावास हो शहाबुद्दीन को, तो क्या आपकी सरकार इस दिशा में काम करेगी? अब बिल्कुल बिल्कुल, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय जो आदेश है और जो राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उस दिशा में हम अक्षरशः बढ़ेंगे, अक्षरशः गठबंधन धर्म से। चलिए शुक्रिया नीरज कुमार जी आपका हमसे बात करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत को खारिज कर दिया और इसके साथ ही शहाबुद्दीन को वापस जेल जाना होगा। लेकिन तेजाब कांड जो ये पूरा मामला आपको बताते हैं, 2004 में सिवान में तीन भाइयों की हत्या हुई थी। शहाबुद्दीन के बदमाशों ने रंगदारी के लिए ये हत्याएं की। तीन भाइयों में से दो को तेजाब से जलाकर मार डाला गया। तीसरा भाई जो इस घटना का चश्मदीद था, सतीश और गिरीश की हत्या के बाद टुकड़े किए गए जिन्हें तेजाब के जरिए मारा गया था। लेकिन तीसरे भाई जो राजीव रोशन जिसका नाम था, जो चश्मदीद था, गवाही से पहले उसकी भी हत्या कर दी गई। रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के लिए।